सर्वे एसआई की टीम जुटाएगी और साक्ष्य। सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू होगा। पांचवें दिन गुंबदों की नक्काशी को परखा गया। एएसआई की टीम ने कई हिस्सों के नमूने भी लिए हैं। तो ज्ञानवापी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, आज सर्वे का 6ठा दिन है। सुबह 8 बजे से एएसआई की टीम फिर से सर्वे शुरू करेगी और कुछ और साक्ष्य जुटाएगी। कल गुंबदों की नक्काशी को परखा गया था, कई अलग अलग हिस्सों की जांच की गई थी, कई सैंपल भी इकट्ठा किए गए थे। आज चुकी 6ठा दिन है। एएसआई की टीम आज सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू करेगी और लगातार हर एक कोना कोना जो ज्ञानवापी परिसर का है उसे बारीकी से जांचा जा रहा है। वहां पर जो तमाम कलाकृतियां मिल रही हैं उनकी फोटोज और वीडियो भी बनाई जा रही है। इसके साथ कार्बन डेटिंग के जरिए उनकी एज का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। सर्वे के बाद खुलेंगे राज। सर्वे को लेकर अलग अलग दावे। सर्वे से होगा दूध का दूध, पानी का पानी। ज्ञानवापी में एसआई की ओर से सर्वे की जा रही है। सभी को भरोसा है कि ज्ञानवापी के सर्वे में कुछ ऐसा जरूर निकलेगा जो सदियों से चले आ रहे विवाद को खत्म कर देगा, दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। सर्वे के दौरान बहुत कुछ दावे भी किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि तहखाने के अंदर खंभों पर हिंदू धर्म से जुड़ी तमाम कलाकृतियां मिली हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को लेकर लीक हो रही खबरों पर नाराजगी व्यक्त की है। सदियों से जिन साक्ष्यों के आधार पर ज्ञानवापी में मंदिर होने का दावा किया जाता रहा है उसका राज अब जल्द ही खुलने वाला है। गुंबद से लेकर जमीन तक हर जगह सर्वे किया जा रहा है। सर्वे जो हो रहा है जिससे हम लोग संतुष्ट हैं, मुस्लिम समाज भी संतुष्ट है और हर दिशा में ज्ञानवापी हर क्षेत्र में जो है बढ़ बढ़ के सारे हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं सब सर्वे कर रहे हैं बिल्कुल, और हम उसे संतुष्ट हैं। हाँ, सब पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा संतुष्ट है। सर्वे जो है सकुशल बड़े प्रोसेस से अपनी तकनीकी से एएसआई की पूरी टीम, पूरी यूनिट, पूरे परिसर का सर्वे कर रही है। क्रमशः जो है अपने हिसाब से जो उनको जहां समझ में आ रहा है, जहां उचित समझ में आ रहा है वो सारे लोग कर रहे हैं। उसमें तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गुंबद की एक खड़की नुमा आकृति को एएसआई का सदस्य इंची टेप से नापते दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एएसआई का एक और सदस्य ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी छोर की तरफ वाले गुंबद पर सीढ़ी के सहारे चढ़कर उसकी नाप जोक करता हुआ नजर आ रहा है। ये सर्वे बेहद साइंटिफिक तरीके से हो रहा है। इससे पहले एएसआई के एक्सपर्ट ने मशीनों का प्रयोग कर ज्ञानवापी के तीनों गुंबद की 3D इमेजिंग और मैपिंग की थी। डिजिटल नक्शा तैयार कर मस्जिद की छत की भी गहराई से जांच की थी। सर्वे बहुत कायदे से हुआ है, एएसआई अपना काम कर रही है, चारों तरफ का सर्वे हुआ है, साफ सफाई, व्यास जी का तहखाना भी साफ हुआ है और एएसआई अपना काम कर रही है। देखिए जो सर्वे शुरू था 5 दिन से अभी उसी पर फोकस किया जा रहा है, पूरा मतलब तहखाना से लेके गुम्बद से लेके सारे तरफ मतलब एक एक चीज पे मतलब लोग सर्वे करें और सर्वे से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। पूरी तरह से सहयोग करें मुस्लिम पक्ष भी और पूरे परिसर में हो रहा है फैल के, मतलब चारों तरफ से लोग कर रहे हैं। हाँ, कल भी होना है तो 2 तारीख को उनको सब के सर्वे, हमारी टीम बहुत अच्छी तरह से सर्वे कर रही है, उससे हम लोग पूरे तरह संतुष्ट हैं। बधा के चल रहा है, विपक्ष लोग सहयोग कर रहे हैं, टीम स्वतंत्र रूप से सर्वे कर रही है, टीम निरंकुश रूप से किसी का अंकुश नहीं है, आदेश के अनुपालन में सर्वे कर रही है, कई मशीनों यंत्रों का प्रयोग कर रही है, लाइट दिखाने वाला है, दूरी नापना डिटेक्टर है, क्या क्या है, मशीनों का नाम स्पष्ट बताना संभव नहीं है, एसआई वाले ही स्पष्ट बता पाएंगे। एक चीज है कि विपक्ष भी सहयोग कर रहा है, ताला चाबी खोल करके वहाँ पर उनके लोग उपस्थित हैं। एएसआई ने अब तक कुछ नहीं बताया है, लेकिन ज्ञानवापी का पहला सर्वे करने वाली कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट कहती है कि ज्ञानवापी परिसर में ऐसे तमाम सबूत मौजूद है जो सच पर पड़ा पर्दा उठाने के लिए काफी है। ये सबूत 5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में है और इसमें सबसे अहम है परिसर की पश्चिमी दीवार जिस पर ज्ञानवापी के मंदिर होने के जिंदा सबूत मौजूद है। तहखाने में अब तक जो भी चिन्ह सर्वे की टीम ने कैमरे में रिकॉर्ड किए हैं उससे जिज्ञासा बढ़ रही थी कि आगे क्या होगा, और भी कई ऐसी चीजें मौजूद है जिन्हें
को लेकर तमाम संभावनाएं जताई जा रही है जो यहां मंदिर होने का दावा मजबूत कर सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट।